हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज मूवी डे है, काफी सारी मूवीज देखनी है और बैक टू बैक मूवीज देख के आपके साथ रिव्यू लेके आने हैं। तो फटाफट से विदाउट एनी सेटअप मुझे आपके लिए वीडियो लाने होंगे इसी तरीके से। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड बाय की। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो सबसे पहला सवाल यही आ रहा था कि मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा, इसका टेक अवे क्या है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि फ्यूनरल ड्रामा लाइक राम प्रसाद की तेवरी, जिसके अंदर आप एक सोशल सटायर देखोगे मान्यताओं को लेकर और लोग कैसे बिहेव करते हैं जब ऐसा हादसा हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। तो विकास बहल यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब मैंने मूवी देखी तो मुझे ऐसा लगा, ये मेरा मानना है, आपका मानना क्या हो सकता है वो अलग चीज़ है। जो मोरालिटीज़ और जो उसकी पिटफॉल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप कितना सेंसिटिव होते हो एजिंग पेरेंट्स की तरफ, वो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है। और ये जो राइटर डायरेक्टर विकास बहल है, ये इनकी आर्ट है कि जो सेंसिटिविटी है, जो छोटी छोटी नुआंसेस हैं, चाहे वो कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड डॉटर हो, बिटवीन सिबलिंग्स हो, चाहे वो जो लोग ग्रीव करने के लिए आपके घर के अंदर आए हैं जब नीना गुप्ता नहीं रहती हैं, वो सारे रिचुअल्स के टाइम पे उसकी मान्यताओं का फन तो नहीं कह सकते, बट उसका डायमेंशन ना समझ पाना, वो इग्नोरेंस ही अपने आप के अंदर आपको एक स्माइल भी दे देता है और थिंक करने का भी एक मौका दे देता है। एंड ऑफ इट, जब आप ये मूवी खत्म करेंगे, मेरे ख्याल से आपका ये टेक अवे ये रहेगा कि आपको अपने जो प्रियजन हैं, यू हैव टू होल्ड देम रियली हार्ड बिफोर दे आर गॉन, एक्सप्रेस इट हार्ड बिफोर दे आर गॉन, एंड जिसे कहते हैं ना, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, ऐसा आपको एक फीलिंग आएगी। बहरहाल स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे होता है कि ये हरीश भल्ला और उसकी फैमिली की कहानी है, उनके डॉग की भी कहानी है। यहाँ पर चार बच्चे होते हैं उसके, ज़रूरी नहीं कि सारे चार बच्चे उसी के हो, एक आधा अडॉप्टेड भी है सरदार जी। और यानी कि नीना गुप्ता की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सारी फैमिली को दोबारा असेंबल होना और कहानी शुरू ही होती है रश्मिका मंदाना से, जो कि एक लॉयर है। आर्गुमेंटिव उसकी नेचर है और ये सारी मूवी के अंदर आपको दिखता है कि हर चीज़ को वो कैसे क्वेश्चन करती रहती है। और भी बच्चे हैं इसके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव है एक, जो हमेशा फ़ोन पे रहता है, जो पवेल गुलाटी ने किया है, मैरिड है और थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। और इसकी जो वाइफ है एली इब्राहिम दिखाई गई है, एक सिख है जो अडॉप्टेड सन है, साहिल मेहता ने उसको प्ले किया है। और एक और जो है जिसको माउंटेन क्लाइंबिंग का बड़ा शौक है, जो अभिषेक खान ने यहाँ पर प्ले किया है। अब ये सारों के सारों के अपने एक डायनामिक्स है, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी एक लाइफ है और किस तरीके से इन्होंने अपना प्यार या फिर अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं करी है, एक वो कहानी चल रही है। एक अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ में गायत्री यानी नीना गुप्ता की कहानी चल रही होती है, बैक एंड फोर्थ हो रही होती है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देती है। और ये जो इतने भी बच्चे हैं, जो इनका करंट माइंडसेट है, वो पेरेंट्स की तरफ और उनकी लोनलीनेस की तरफ किस तरीके से झुकना शुरू हो जाता है, वो आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा प्रिटेंशियस भी लगेगा, क्योंकि आपको मूवी के स्टार्टिंग में ही ऐसा पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है। जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है तो एक जना आके सुनील ग्रोवर थोड़ा सा इसको लाइट हार्टेड आता है। साथ ही साथ में जो लोग हैं जो यहाँ पर रोना पिटना डालने आए हुए हैं, वो हादसे के टाइम में क्या क्या बेवकूफ़ों वाले कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का क्या नाम होना चाहिए, गॉन गायत्री गॉन, और ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से होती है। और जो डेड बॉडी होती है वो सिर्फ एक आर्म लेंथ के ऊपर होती है, तो काफ़ी अजीब सी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको नज़र आएंगी। यहाँ तक कि जो विकास बहल ने जो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर कैप्चर करी, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि ये जो फैमिली है ये वैसे तो कहने के लिए एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी ये बड़ी ऑकवर्ड सी मोमेंट्स हैं। जैसे अब हम क्या बात करें आपस में, जब हम पहली बार मिले हैं तो वो ग्रीविंग से ज़्यादा ये बातें करने लग जाते हैं कि हमें ये रिचुअल्स कैसे निभाने हैं, उनका टू डू लिस्ट टाइप सा कुछ बन जाता है। तो ये अब जब गहराई से सोचोगे, जब मूवी से बाहर निकलोगे, तो आपको लगेगा यार ये क्या इनसाइट इसने पकड़ी है, बिकॉज इमोशनली दे आर अनेबल टू कनेक्ट, सो दे आर कनेक्टिंग ऑन सम अदर फैक्टर विच इज, अब ये सारी लिस्ट हमें पूरी करनी है, बट इवेंचुअली ये लिस्ट के थ्रू माँ को याद करते हुए टू एंड फोर्थ आप बिल्कुल इमोशनल होने वाले हो यहाँ पर। तो जो थोड़े से कच्चे दिल के हैं वो थोड़ा रुमाल रुमाल रख के जाएं। बट हैविंग सेड दैट, कुछ कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो ह्यूमर बीच में डालने की कोशिश करेगी वो थोड़ी सी इनसेंसिटिव लगे, ऐसा हो सकता है। और दूसरा, राम प्रसाद की तेरहवीं के आने के बाद जो भी हमने तमाशा यहाँ पर देखा, जो लोग बनाते हैं, आशित विद्यार्थी का भी जहाँ पर जो रोल आता है, वो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा इनसेंसिटिव है।
बट एक्चुअली में जीवन की सच्चाई भी है। शायद आप ग्रीव कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन पीछे से ये सब चीज़ें चल रही ही होती हैं। डायलॉग्स भी अच्छे हैं सबके में, सवाई एक के, रश्मिका मंदाना के। मैं बोलूँगा कि एक पंजाबी फैमिली का सेटअप दिखाया गया और उनकी सारी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल ही थोड़े साउथ इंडियन एक्सेंट में, जो बिल्कुल भी नहीं जमी। हालांकि एक्टिंग वाइज शी इज़ वेरी वार्म, उनकी आईज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बट फ्रॉम अ एक्सेंट परस्पेक्टिव शी इज़ अनएबल टू कैच द पंजाबी एक्सेंट। इससे अच्छा यहाँ पर डबिंग करा लेनी चाहिए थी। एनीवेज, अमिताभ बच्चन का एक शॉट आता है जो कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स का टेक है, वो आप देखोगे स्पेसिफिकली जो उसकी कॉन्वर्सेशन है जब वो अपनी बीवी को याद कर रहा होता है, कैसे वो इमेजिन करता है अपनी बीवी को कलश के साथ, एक सीन वो भी है, वो आप सब देखोगे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ये कर देगा। बट एंड ऑफ इट आपको यही लगेगा कि ये मूवी शायद आपने थोड़ी थोड़ी देखी देखी टाइप है। आप जब इसको देखोगे तो आपको पता है किस डायरेक्शन में इवेंचुअली जाएगी। ये सब चीज़ें आपको उसी तरीके की लगेंगी जैसे थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल इन नेचर है, लेकिन फिर भी आपको इमोशनल कर देगी बिकॉज ऑफ टू रीजन। वंडरफुल डायरेक्शन एंड इज यूज द इनसाइट्स राइट, और सेकेंडली जितने एक्टर्स हैं जितने भी यहाँ पर पकड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया, चाहे आशीष विद्यार्थी का इरीटेटिंग सा रोल हो, चाहे अमिताभ बच्चन तो खैर बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर, रश्मिका मंदाना बहुत अच्छी है, और जो तीनों ब्रदर्स हैं अपने अपने सेंस में जो केयरलेसनेस का जो एटीट्यूड है एंड देन कमिंग टुगेदर, वो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ, अभी और दो पिक्चरें देखनी है और फिर उसके बाद हम मिलेंगे। मेरे को बस एक की टिकट नहीं मिल रही है, वो लेट्स सी वो कब मिलेगी, हिंदुत्व की नहीं मिल रही है मुझे टिकट, देखना पड़ेगा उसका क्या टाइमिंग वाइमिंग है। बाकी तो हम मिलेंगे जल्दी जल्दी।